हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा योर बायोलॉजी टीचर। हम लोग पढ़ रहे थे वाटर कैनाल सिस्टम, जिसमें ल्यूकोन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम रह गया था। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या पढ़ेंगे आज हम, ल्यूकोन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम। सबसे कॉम्प्लेक्स होता है ल्यूकोन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम, और ये आपके कहाँ मिलेगा, स्पॉन्जिला एक स्पॉन्ज है उसे मिलेगा। तो आज का टॉपिक है ल्यूकोन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल एस्कॉन, उससे कॉम्प्लेक्स साइकॉन, और ये उससे भी कॉम्प्लेक्स है। चलिए समझते हैं। देखिए इस तरह से बनाते, तो पहले तो एस्कॉन की तरह ही बनाते हैं। ऐसा लगता है एस्कॉन से मॉडिफाई हुआ है साइकॉन और साइकॉन से मॉडिफाई हुआ है ल्यूकोन, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो पहले तो देखो एस्कॉन जैसा सिंपल सा बना दो, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एस्कॉन की तरह, फिर साइकॉन की तरह करना, और फिर साइकॉन को भी कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, ल्यूकोन। ठीक है, चलो अभी एस्कॉन जैसा बन गया, अब साइकॉन की तरह करो। साइकॉन में हमने क्या करा था, इस तरह से कैनाल्स बनाई थी बाहर की तरफ, बनाया था, याद आ रहा है कुछ? इधर भी बनाया था कैनाल, एक कैनाल और बना देता हूँ, एक कैनाल ये बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही इधर भी बना देते हैं। लो भाई इधर भी बन गई और यहां भी बना देते हैं। ठीक, साइकॉन जैसा लगने लगा। अब इसमें और एक कैनाल बना दो, बन गई एक कैनाल, ऐसे ही नीचे बना दो, यहां पर भी यही कर दो, इधर ही बना दो कैनाल। भाई एस्कॉन में कैनाल बनाई तो साइकॉन बन गया, साइकॉन में कैनाल बनाई तो ल्यूकोन बन गया। कैनाल में कैनाल, कैनाल में कैनाल, देखो कितना बढ़िया कैनाल कैनाल बनाया जा रहा हूँ। ये इधर भी बना दो, ये इधर ही बना दो, बन गई खूब सारी कैनाल। अब देखिए अब ओपनिंग बना दें, ये देखो इधर बना दी ओपनिंग, इधर बनाते हैं ओपनिंग, पहले ये वाली ओपनिंग बना देते हैं। देखिए इस तरह से इन ओपनिंग के थ्रू नई वाली कैनाल को पुरानी वाली कैनाल से कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से बना दिया। अब जो नई कैनाल बनाई उसमें भी ओपनिंग बनानी पड़ेंगी, ये लो ये बना दी ओपनिंग, इसमें ऐसे करके ये बना दी, इसमें ऐसे करके, ठीक ऐसे इधर देख लो, ये हम यहाँ पे इस तरह से ये कैनाल बना रहे हैं। इस सारी ओपनिंग है जिनसे वाटर अंदर आएगा। तो मैंने बताया था ना स्पेशल टाइप का कैनाल सिस्टम होता है स्पॉन्ज में, मतलब पॉलीफेरा में, और इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा के स्पेशल वाले का नाम क्या था, वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम। इस तरह से, ठीक है ये बन गया। अब इसके बाहर मैं डॉट डॉट करके दिखाऊंगा, डैश डैश करके बॉडी वॉल। तो ये हम बना रहे हैं इसकी बॉडी वॉल इधर से, और ये बॉडी वॉल बना रहे हैं हम इसकी इधर से। तो ये बॉडी वॉल बन गई। ये यहाँ पर क्या है, सब डर्मल ऑस्थिया जिनसे वाटर सबसे पहले अंदर आएगा। ठीक है, डर्मल ऑस्थिया के बाद
वाटर कहाँ आएगा? यहाँ पर। इस जगह का नाम क्या बताया था? सेम वही है, इन करंट कैनाल। लो भाई, इन करंट कैनाल बन गया। इन करंट कैनाल के बाद वाटर कहाँ जाएगा? इस जगह पे जाएगा, यहाँ से पहले वाटर आएगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ। इसका नाम क्या है? प्रोसोपाइल। जैसे वहाँ पर प्रोसोपाइल था, यहाँ पर भी प्रोसोपाइल है। प्रोसोपाइल से वाटर कहाँ जाएगा? इस जगह पे। और इस जगह का नाम क्या हो जाएगा? रेडियल कैनाल। और मैंने आपको बताया था रेडियल कैनाल का दूसरा नाम फ्लैजिलेटेड चैम्बर। क्यों फ्लैजिलेटेड चैम्बर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्वाइनोसाइट प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? इस ओपनिंग में। इसका नाम क्या बताया था? एपोपाइल। फिर उससे कहाँ जाएगा? इस जगह पे। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का, इसका नाम है एक्स करंट कैनाल। इसका नाम है एक्स करंट कैनाल। देखो सब कुछ वैसे ही, बस एक नया वर्ड ऐड हुआ है। ये इन करंट थी ये वाली, एक्स करंट है ये वाली, सब कुछ वैसे ही है, बस एक्स करंट कैनाल ऐड हो गया है। इसको यहाँ से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर भी ओपनिंग बनानी पड़ेगी, तभी तो अंदर आएगा। ऐसे यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा, ठीक। फिर आएगा ये बॉडी कैविटी, स्पॉन्जो सील, ठीक। और फिर ये आएगा ऑस्कुलम, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? सबसे पहले वाटर आएगा डर्मल ऑस्टिया, देन इनकरेंट कैनाल, देन प्रोसोपाइल, देन रेडियल कैनाल, देन एपोपाइल, और देन एक्सकरेंट कैनाल, देन स्पॉन्जो सील, देन ऑस्कुलम, देन आउट। तो इस तरह से वाटर का फ्लो होगा। मैं आपको फ्लो बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आएगा डर्मल ऑस्टिया में, डर्मल ऑस्टिया से वाटर जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब इन कैनाल्स में आएगा, इस वाली कैनाल में। इसका कैनाल का नाम क्या है? इन करंट कैनाल। इन करंट कैनाल से जाएगा इस जगह पे, इसका नाम है प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल से आएगा रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से एपोपाइल, एपोपाइल से एक्सकरंट कैनाल, एक्सकरंट कैनाल से ऑस्टिया, सॉरी एक्सकरंट कैनाल से स्पॉन्जो सील, और स्पॉन्जो सील से ऑस्कुलम, और देन आउट। फिर से समझ लो, सबसे पहले डर्मल ऑस्टिया से इनकरंट कैनाल, इनकरंट कैनाल से प्रोसोपाइल, देन रेडियल कैनाल, देन एपोपाइल, देन एक्सकरंट कैनाल, देन स्पॉन्जो सील, ऑस्कुलम, आउट। सेम वही है, बस एक वर्ड ऐड हो गया, एक्सकरंट कैनाल, ठीक है। इसको बना के दिखाता हूँ, क्या बताओगे? वाटर फ्लो, किसका वाटर फ्लो बता रहे बेटा? तो आप बताओगे, सर आप वाटर फ्लो बता रहे हो ल्यूकॉन टाइप का, सबसे सिंपल एस्कॉन टाइप का बनाया था, उससे कॉम्प्लेक्स वाटर फ्लो था साइकॉन का, अब सबसे कॉम्प्लेक्स हो गया किसका? ल्यूकॉन का। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स याद करना पड़े, आपसे बस इसका फ्लो पूछा जाता है और कुछ नहीं। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले वाटर, वाटर कहाँ जाएगा बताओ बच्चों, वाटर कहाँ जाएगा? आप बताओगे डर्मल ऑस्टिया। कौन सा ऑस्टिया? डर्मल ऑस्टिया, ये लिखा है, डर्मल ऑस्टिया से इनकरंट कैनाल, इनकरंट कैनाल। लो भाई, इनकरंट कैनाल लिख दिया। इनकरंट कैनाल से कहाँ जाएगा? इस जगह पे। इस जगह का नाम क्या है? प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से कहाँ जाएगा? इस जगह पे रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से कहाँ जाएगा? एपोपाइल। सेम वही है अभी, देखो अब बस अब आएगा चेंज, एपोपाइल। एपोपाइल से कहाँ जाएगा? ये क्या है? एक्सकरंट कैनाल, बस ये ऐड हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। से एक्स करंट कैनाल, एक्सकरंट कैनाल से स्पॉन्जो सील, देन ऑस्कुलम, देन आउट। से स्पॉन्जो सील, स्पॉन्जो सील, देन ऑस्कुलम, देन आउट, ठीक। तो इतना हो गया आपका ल्यूकॉन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम।
तो यहाँ पे हमारा वाटर कैनाल सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।